ठीक है. सो नाउ लास्ट थ्योरम इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ओके, सो द थ्योरम इज लाइक दिस. लेट एफ बार बी एनी वेक्टर, टेक एनी रैंडम वेक्टर विच द वॉल्यूम एनक्लोज बाय अ क्लोज सर्फेस. सो सपोज दिस इज योर सर्फेस एस, है ना, स्पीयर का एक आप सर्फेस कंसिडर करो. सो दिस इज योर सर्फेस एस, उसकी जो बाउंड्री वो आप सर्फेस लेते हो. ओके, बाउंड्री इज योर सर्फेस एंड वट एवर वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय दैट स्पीयर इज एक्चुअली यूर बी, है ना. सो बाय दिस डाइवर्जेंस थ्योरम, इफ एस इज द सर्फेस विच द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दैट, then surface integral over S is actually equal to the volume integral of del dot f bar into d. So here the important condition on S is what, this surface must be closed. But if you compare with the Stokes theorem, in that case that surface must be open surface. ठीक है, इतना बस याद रखो कि यहाँ पे जो भी surface आप ले रहे हो वो closed surface ही ले रहे हो. ठीक है, and remember this ds bar is actually n cap into ds. okay, this is the just notation. ye ds bar jo main yahan pe likh raha hu ye bas ek notation hai, otherwise you can directly remember in this way. so it's surface integral f bar dot n cap into ds, you can remember in this way also. okay, so always remember this ds bar is n cap into ds, kyunki calculation ke liye aapko yahi part chahiye. okay, ds bar direct calculate nahi hota. and if I replace ds bar by this, then you can see this divergence theorem also contains the n cap. okay, so what is that n cap? n cap is actually the outward normal. so this n cap is actually the outward normal to the surface S. ठीक है? okay, and then next part is what? if your surface is solenoidal, है ना, we know the definition of solenoidal vector field. if vector field is solenoidal, then their dot product is zero. that is the definition of solenoidal vector field. and if it is irrotational, then their cross product is zero. these are the two important definition. ठीक है? so here if your vector field is solenoidal vector field, then this RHS is zero, that is volume integral is zero, and that gives you that surface integral is also zero. so if your f bar is solenoidal, then your surface integral is always zero, है ना. ये क्वेश्चन आपको MCQs के लिए आने वाले हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन होगा कि evaluate this और the value of the surface integral, और आपको f bar given होगा, इतना एक रहेगा. तो आपको क्या चेक करना है, पहले चेक करो कि whether that f bar is solenoidal or not, है ना. एमसीक्यू के लिए अगर आता है तो पहले चेक करो कि वो सोलेनोइडल है कि नहीं. इफ इट इज सोलेनोइडल, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, है ना. अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो आपको पता है कि सरफेस इंटीग्रल आपका क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन क्रिएट डायरेक्टली फ्रॉम दिस रिजल्ट. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वॉट. ओके, विल टेक डायरेक्टली वन एग्जाम्पल ऑन दिस पार्ट. मुझे बोला था रिपीट हो रहा है, मुझे याद नहीं है कि कहाँ तक लिया था, शायद नहीं हुआ था, बट स्टिल रिपीटेशन हो रहा है तो मुझे बोलो. नाउ लेट्स डायरेक्टली कंसिडर सम एग्जाम्पल्स ऑन दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, इवैल्यूएट दिस सर्फेस इंटीग्रल. ओके, सर्फेस इंटीग्रल ओवर एस एंड वेर एफ बार इज दिस वेक्टर फील्ड, एफ बार इज दिस वेक्टर फील्ड ओवर अ स्पीयर एस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, यू कैन इजिली सी दैट दिस स्पीयर इज क्लोज. स्पीयर है तो आपको पता ही है स्पीयर क्या होता है, क्लोज होता है, कहीं पर भी ओपन नहीं है. ठीक है, सो यू कैन अप्लाई दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डायरेक्टली फ्रॉम दिस सर्फेस. That is first part. और जनरली मैं आपको एक और ट्रिक देता हूं, ऐसा भी नहीं कि सारे क्लोज सर्फेस के लिए ही आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है. देर आर सम सर्फेसेस विच आर ओपन, ठीक है, स्टिल यू कैन अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू क्लोज सर्फेस. फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्या आपको बोल रहा हूं. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सारे केस में आप मतलब कि आपको एग्जाम्पल में क्लोज सर्फेस ही रहेगा, है ना, एज फार एज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज कंसर्न. सारे एग्जाम्पल में क्लोज सर्फेस रहेगा, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है. इफ ओपन सर्फेस इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये हेमिस्फीयर गिवन है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि ये हेमिस्फीयर ओपन है, ओपन है क्योंकि यहाँ पे अगर क्योंकि टोटल स्पीयर आता है तो ऊपर क्लोज हो जाता है. ओके, बट इट इज नॉट अ स्पीयर, हेमिस्फीयर है, आपने कट किया है तो यहाँ पे ये ओपन है ना. तो अगर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है तो आप क्या करो, ये जो ओपन पार्ट है उसको क्लोज करो. कंसिडर दिस सर्फेस, है ना, रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किया ये का सर्फेस आप इसके ऊपर कंसिडर करो. ओके, नाउ इफ दिस इज एस वन इट बिकम क्लोज. तो मतलब ये भी चीजें आपको करनी है व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. बट एट द एंड यू वॉन्ट दैट सर्फेस टू बी क्लोज सर्फेस. ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि यहाँ पे गिवन सर्फेस ही आपका डायरेक्टली क्या है, क्लोज सर्फेस है. ठीक है, सो एंड दिस इज योर डायग्राम, दिस इज योर होल स्पीयर. एंड एक और ट्रिक आपको मैं देता हूँ कि जनरली कौन से केस में, मतलब सर्फेस से तो अभी केस नहीं हो रहा है आपको कि क्लोज सर्फेस है तो 100% श्योर हो जाओगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. बट इफ इट इज नॉट क्लोज फिर भी आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. सो क्वेश्चन इज वॉट, हाउ यू
डिफरेंशिएट और इन विच केस बेसिकली वी हैव टू अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना। तो एक ट्रिक आपको मैं देता हूँ, जनरली दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर अ सर्फेस विच इज नॉट पैरेलल टू, फॉर अ सर्फेस विच इज नॉट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। ओके, सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, ये कोई थ्योरम नहीं है ना कोई ये रिजल्ट है। जनरली इफ योर सर्फेस इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट मीन्स इफ योर सर्फेस इज नॉट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जनरली इन दैट केस वी अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि ये स्पीयर है, स्पीयर ना तो एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है, या ना तो वाई जेड प्लेन को पैरेलल है, या ना तो एक्स जेड प्लेन को पैरेलल। ओके, सो दिस स्पीयर इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, इट मीन्स यू कैन अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो रिमेंबर दिस ट्रिक, दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्रिक, ये शायद मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। सिंस दिस एस इज नॉट पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। करेक्ट ना, चलो लेट अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपको कैलकुलेट क्या करना है वो अच्छे से याद रखो, आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ आर इनटू डीवी। दिस इज अ थ्योरम। ओके, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ आर इनटू डीवी। नाउ लेट्स कैलकुलेट, तो आपको आरएचएस कैलकुलेट करनी है, आरएचएस कैलकुलेट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट डेल डॉट एफ आर, व्हाट इज डेल, है ना। So what is del? What is f bar? F bar is this x cube y bar plus y cube j bar plus z cube k bar. आपको कैलकुलेट करना डेल डॉट एफ बार। डेल डॉट एफ बार क्या आएगा? ओके, क्या डेफिनेशन है डेल डॉट एफ बार की? अब एक केस में मैं आपको फिर से देता हूं, i bar dabba by dabba x plus j bar dabba by dabba y plus k bar dabba by dabba z dot product with f bar. F bar is x cube into i bar plus y cube into j bar plus z cube into k bar. ठीक है, नाउ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो i bar के कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, दैट इज डैबा बाय डैबा x ऑफ x cube प्लस डैबा बाय डैबा y ऑफ y cube प्लस डैबा बाय डैबा z ऑफ z cube, एंड दैट गिव्स यू 3x square, करेक्ट, प्लस 3y square प्लस 3z square, ट्रिवियल है। ठीक है, सो दैट डेल डॉट एफ बार इज एक्चुअली 3x square प्लस 3y square प्लस 3z square, दैट इज नथिंग बट 3 इन ब्रैकेट x square प्लस y square प्लस z square। ओके, अभी सारे वैल्यूज आप क्या करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन यू विल गेट दिस। ठीक है, सो अगेन लेट मी इरेज सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। हां, सो इफ आई पुट दिस द वैल्यू ऑफ डेल डॉट एफ बार, है ना, हियर, देन यू विल गेट दिस, है ना। डेल डॉट एफ बार की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 मैंने बाहर निकाला है। और डीवी आपको पता ही है, दिस डीवी इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ डीवी इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम व्हिच इज डीएक्स डीवाई एंड डीजेड, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डीएक्स डीवाई डीजेड ओवर वी। सो वेयर व्हाट इज वी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वी? क्वेश्चन में वी क्या गिवन है? व्हाट इज वी? वी इज एक्चुअली द वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस, आपको स्पीयर गिवन था ना, तो उस सरफेस से जो भी वॉल्यूम बाउंडेड हो रहा है दैट वॉल्यूम इज वी। सो वी इज एक्चुअली द वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, बिकॉज योर सरफेस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन। सो व्हाट एवर वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय दैट सरफेस, दैट वॉल्यूम वी कॉल इट एज वी। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या बन गया है, आपको सिंपली करना क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ स्पीयर, दैट इज अवर क्वेश्चन। जस्ट सॉल्व दिस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ स्पीयर। हाउ यू सॉल्व दिस, कैन एनीवन टेल मी दिस, हाउ यू सॉल्व ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ स्पीयर? मेथड बोलो बस, एनीवन? यस यस यस, करेक्ट बोला था शायद किसी ने, बोलो बोलो, वेरी गुड। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका सरफेस सर्कल आता है, इलिप्स आता है, स्पीयर आता है,
इलिप्सॉइड आता है, इन चारों केसेस में ओके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसी पीडीएफ में जो अंडर दिस सेक्शन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में आप ये चेक करो कि स्पीयर के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होता है। सो आई विल डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट दो सब्स्टिट्यूशन। सो पुट एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी, जनरली कैसे याद रखना, जो मिडल की रिंग है ना स्पीयर की, ओके दिस इज योर फाई, तो मिडल की रिंग 360 रोटेट हो रही है, देयरफॉर फाई वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, देयरफॉर फाई वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। रेडियस क्या होती है आपको पता ही है, तो दिस इज योर रेडियस, सेम नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो भी डिस्टेंस है वो आएगी रेडियस आर वेरी फ्रॉम 0 टू से ए, एंड स्पीयर को कंप्लीट करने के लिए आपको ये 180 डिग्री आना है ना, सारे फ्रॉम ऑल पॉसिबल साइड्स वी हैव टू गो लाइक दिस, तब जाके आपका स्पीयर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये जो 180 डिग्री का रोटेशन है दैट इज योर थीटा, देयरफॉर योर थीटा वैरी फ्रॉम 0 टू पाई, यू कैन रिमेंबर इन बाय दिस लॉजिक आल्सो, ठीक है। सो पुट एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस पाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन पाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड इन दिस केस बेसिकली वी रिप्लेस दिस डी एक्स डी वाई डी जेड बाय ओके आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये सारा स्टैंडर्ड पार्ट है दैट यू कैन सी इन दिस सेक्शन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ओके। एंड हियर आर वेरी फ्रॉम 0 टू 1, आपको जो मैंने बोला था रेडियस 1 है, ठीक है। थीटा के लिमिट्स क्या है, 180 तक ही वो रोटेट होता है, सो थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई एंड पाई वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई एज इट इज अ मिडल रिंग, ठीक है। ओके सो दिस आर दी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर स्पीयर, ओके यू कैन सी इन दिस सेक्शन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ, वाई की जगह पे ये, तो पुट करने से भी आपको पहले ही पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आती है। इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में, और लिमिट में क्या आने वाला है, आर के लिमिट्स थीटा के लिमिट्स फाई के लिमिट्स, आर के थीटा के फाई के, ओके। सो दिस बिकम आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड, फाइव के लिमिट्स थीटा के लिमिट्स आर के लिमिट्स। इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप किसी भी रैंडम सीक्वेंस से लिख सकते हो, पहले आर के लिखो थीटा के लिखो फाइव के लिखो, या यू कैन चेंज दिस ऑर्डर बाय यूर वे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इंटीग्रेशन सॉल्विंग के लिए मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था, वो रिजल्ट क्या था कि अगर आपके लिमिट्स सारे कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, इफ ऑल यूर लिमिट्स आर कॉन्स्टेंट एंड यूर फंक्शन इज इन सेपरेबल फॉर्म एंड यूर फंक्शन इज इन सेपरेबल फॉर्म, इन दैट केस यू कैन सेपरेट दैट इंटीग्रल ऑल्सो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इट सेव्स योर टाइम, अगर आप मतलब ये सिंप्लीफिकेशन नहीं यूज करते हो तो आंसर तो आने वाला, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो, रिजल्ट क्या है कि अगर लिमिट्स आपके कॉन्स्टेंट है, फंक्शन आपका सेपरेबल फॉर्म है, सब फंक्शन सेपरेबल फॉर्म है, मतलब आर का पार्ट अलग है, आप देखो ये आर का पार्ट अलग है, थीटा का पार्ट अलग है और फाई का है ही नहीं, मतलब ऑल फंक्शन आर इन सेपरेबल फॉर्म। So by this rule, okay, now you can separate this integral also. Separate integral means what? R का separate हो जाएगा, R का separate हो जाएगा, theta का separate हो जाएगा और phi का भी separate हो जाएगा। यह आप कब कर सकते हो? Provided your limits are constant and your function is in variable form, separable form, sorry, not variable form, it is in separable form. R f of R, separable form का meaning क्या होता है? F1 of R, F2 of theta and F3 of phi, like this. R का अलग है, theta का अलग है, phi का अलग है। अभी एक चाहो तो इसके आगे आप कैलसी में सॉल्व करो डायरेक्टली, ओके यू कैन डू दिस ऑन कैलकुलेटर और मैन्युअली, दिस इज योर चॉइस एंड यू विल गेट दैट आंसर टू बी 12 पाई बाय phi, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेक दी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, एक और स्लाइड पे ही लेता हूँ क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, I will try to explain in detail. Just give me 1 minute. Okay, we are ready now. ठीक है, so we have to solve this example. I hope it is visible to everyone. If not, just let me know. ठीक है, सो इन सोल्यूशन अभी हम इसे सॉल्व करते हैं सेपरेटली। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये मेंशन होगा या कभी कभी मेंशन नहीं भी होगा, सो डोंट फोकस हियर, ठीक है। इवैल्यूएट दिस सरफेस इंटीग्रल, आपको सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है ओवर एस एफ बार
डॉट डी एस बार, ओके ठीक है। और आपको एफ बार गिवन है, एफ बार इज गिवन, एफ बार इज वॉट वाई स्क्वायर इंटू आई बार, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे बार प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के बार ओवर अ कर्व सर्फेस एस ऑफ स्पीयर बट अबो एक्स वाई प्लेन। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि स्पीयर के ऊपर करना है, बट वो टोटल स्पीयर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला है कि हाफ स्पीयर कंसिडर करो, ओके। सो इफ दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दिस इज माई जेड, ओके, ये होता है आपका टोटल स्पीयर, दिस इज योर होल स्पीयर, बट उनका क्या कहना है, कंसिडर स्पीयर अबो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आपको पता ही है ना, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, आपको इसके ऊपर का पार्टी कंसिडर करना है, मीन्स वॉट वी हैव टू डिलीट दिस, नीचे करना है, कंसिडर ही नहीं करना है, सो इट बिकम हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर अ स्पीयर अबो एक्स वाई प्लेन देन इट बिकम हेमिस्फीयर लाइक दिस, ठीक है, ऐसा वो स्पीयर दिखाई देगा, ओके, अबो एक्स वाई प्लेन। नाउ कैन वी अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस सर्फेस, नाउ दिस इज यूर एस whose equation is x square plus y square plus z square equal to 1, sphere ही है, sphere का आधा है, मतलब वो z positive है, ठीक है, इतना detail में नहीं जाना है। So just tell me, can we apply a Gauss divergence theorem for this? Anyone? Can we apply Gauss divergence theorem for this? This S? Huh? Can we apply? Just tell me yes or no. Can we apply Gauss divergence theorem directly for this surface or not? Yes? Just, okay, no. Okay. Can anyone tell me what is the reason? Say it loudly so that everyone can listen. What is the reason why we cannot apply Gauss divergence theorem for this S? Bolo to sabko hi answer samajh mein aayega. Why we cannot apply Gauss divergence theorem for this surface? Yes. बोलो, वन रीजन इज वॉट एज वन ऑफ द सर्फेस इज पैरल टू एक्स वाई प्लेन, नॉट द एग्जैक्ट आंसर विच आई वॉन्ट। एनी वन वाई वी कैनॉट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस यस? अरे इतना ट्रिवियल क्वेश्चन पूछा है, एटलीस्ट रॉन्ग तो आने तो, बट आंसर तो दो। यश, क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन होगा? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। यश, यामिनी, कोई तो बोलो, अरे ट्राई तो करो, मतलब व्हाई वी कैनॉट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस, व्हाट इज द कंडीशन ऑन एस, व्हाट इज द कंडीशन ऑन एस एज फार एज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज कंसर्न? एस के ऊपर क्या कंडीशन थी? हाँ, एस के ऊपर कंडीशन क्या थी? आर यू देयर और नॉट? Yes. Okay. So that S must be a closed surface, then only we can apply Gauss divergence theorem. Okay? But as we consider only the above part of this sphere, it become open at this. Okay, जो भी है नीचे दिखाई दे रहा है वहां पर ओपन है, ठीक है, सो वी कैनॉट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस। अगर आपको अप्लाई करना ही है, ओके, अप्लाई क्यों करना है? क्योंकि ये सर्फेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस सर्फेस इज नॉट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये एक रीजन था, ठीक है, जो वैष्णवी ने दिया था, ठीक है, दैट इज वन ट्रिक, मतलब वाई वी हैव टू, अभी के लिए तो डायरेक्टली वी कैनॉट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बट एज दिस सर्फेस, एज दिस एस इज नॉट पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट प्लेन। आप देखो ना, ये जो कर्वेचर सर्फेस है वो किसी भी प्लेन को पैरेलल नहीं होगा ना, पैरेलल होने के लिए वो प्लेन ही चाहिए, आइदर एक्स वाई प्लेन चाहिए, वाई जेड प्लेन चाहिए, एक्स जेड प्लेन चाहिए, ठीक है, तो आपको तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ही सॉल्व करना है, बट विद दिस सर्फेस वी कैनॉट सॉल्व, तो आपको क्या करना होगा, मेक दिस सर्फेस टू बी क्लोज, एज वी कैनॉट सॉल्व दिस
as we cannot apply the Gauss divergence theorem for this surface S, so make this surface to be closed. Close करने के लिए आप क्या करो, ये एक सरफेस ऐड करो नीचे, इसको यहां से क्लोज करो, ठीक है, एंड कॉल दिस सरफेस टू बी एस वन. ठीक है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो, नाउ बी इट बिकम क्लोज, है ना, जैसे मैं एस वन सरफेस ऐड करता हूं, नाउ इट बिकम क्लोज, सो दिस वी कैन राइट इट एज दिस इज माई, सो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओरिजिनल सरफेस एफ बार डॉट डी एस बार, एंड इफ आई एड माई सरफेस एस वन एफ बार डॉट डी एस बार, नाउ दिस होल सर्फेस बिकम क्लोज. Since it is closed, now I can apply the Gauss divergence theorem. So by the Gauss divergence theorem, the surface integral is equal to the volume integral of del dot f bar into dv. Del dot f bar into dv. But आपको क्या calculate करना है? आपको बस s के लिए calculate करना है. आपको खाली s के लिए solve करना है. So this can be written as, so the surface integral over s f bar डॉट डी एस बार इज इक्वल टू, आपको यस के लिए सॉल्व करना, तो यस वन को राइट साइड में शिफ्ट करो, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ बार इंटू डी वी माइनस डबल इंटीग्रल ओवर एस वन एफ बार डॉट डी एस बार. भी वन बाय वन सॉल्व करो, दोनों सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन दिस एफ बार, सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, तो एफ बार क्या आपके पास, एफ बार इज दिस, आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल डॉट एफ बार. ठीक है, सो व्हाट इज डेल डॉट एफ बार, डेल डॉट एफ बार क्या होता है, आई का जो कोएफिशिएंट है उसको एक्स से डिफरेंशिएट करो, जीरो आएगा. अभी आपको पता ही है, मैं बार बार वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ, डेव बाय डेव बाय एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, जे का जो कोएफिशिएंट है उसको वाई से डिफरेंशिएट करो, एंड के का जो कोएफिशिएंट है उसको जेड से डिफरेंशिएट करो, दिस वैल्यू जीरो. एज दिस डेल डॉट एफ बार इज जीरो, दैट इंप्लाइज यूर डेल डॉट एफ बार इज जीरो, देयरफॉर दिस वॉल्यूम इंटीग्रल इज ऑल्सो जीरो, एक वैल्यू तो जीरो आ गई. ओके, अभी बस सेकंड कैलकुलेट करो, करेक्ट, जेड मेरी अनदर लेयर. So this first value is 0. Now focus on this second. Hai na? So that implies the volume integral del dot f bar into dv is 0. Now let me calculate this second. Second kya hai? Surface integral over s1 f bar into ds bar. But aapko kya pata hai? Surface integral over s1, this ds bar can be written as n cap del dot f bar dot n cap into ds. Now I have to just identify what is s. So what is s? Okay. तो s के लिए फिर से आ जाओ डायग्राम में. तो ये आपका बॉटम सर्फेस पे क्या है? यस सर्फेस है. नाउ कैन एनी वन टेल मी इक्वेशन ऑफ s1? What is इक्वेशन ऑफ s1? s1 का इक्वेशन क्या है? जब तक ये आई विल एक्सटेंड अप टू दिस क्वेश्चन. बोलो, वैसे भी टाइम है, 120 तक ही है, तो हो जाएगा. S1 का इक्वेशन क्या है, बोलो जल्दी से. S इज अ सर्कल विद रेडियस 2. हाँ सॉरी, सर्कल की रेडियस 4 है ना, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है. वेट. हाँ, S इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, वेरी गुड. कैन यू टेल मी दैट इक्वेशन, कैन यू टेल मी दैट इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? आपने करके आइडेंटिफाई किया, इट इज अ सर्कल, इट लुक लाइक अ सर्कल फ्रॉम द डायग्राम, बट कैन यू टेल मी दैट इक्वेशन, ये जो सर्कल है ये कौन से प्लेन के ऊपर है, कौन से प्लेन के ऊपर है? इमेजिन करके बोलो कि ये कौन से प्लेन के ऊपर आ रहा है. एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, इसी प्लेन के ऊपर है ना, इस फ्लोर के ऊपर. एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड की वैल्यू क्या आती है? जीरो. तो जेड इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन 4. ओके, सो जस्ट पुट जेड इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन. तो एक्स वन का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. ठीक है, सो आ जाओ फिर से नीचे. So what is this S1? So here this S1 is actually a circle of radius 4. So where S1 is actually circle of radius 4. And this circle is on XY plane. Yes, circle kaha pe? XY plane pe. Okay. Now just tell me what is N cap. फिर से मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो surface यहाँ पे आ रहा है, इस सरफेस के लिए यन कैप क्या होगा, जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है. तो यन कैप के लिए नॉर्मल, यन कैप इज बेसिकली नॉर्मल. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर द नॉर्मल. वन इज दिस, ये भी एक नॉर्मल हो सकती है. ठीक है, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये भी नॉर्मल हो सकती है.
बट आपको क्या चाहिए, हियर वी वॉन्ट ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, बट आपको क्या चाहिए, एन कैप इज वॉट आउटवर्ड नॉर्मल। तो बोलो फर्स्ट करेक्ट या सेकंड करेक्ट है, आउटवर्ड नॉर्मल के लिए फर्स्ट करेक्ट या सेकंड करेक्ट है, जस्ट टेल मी दैट, आउटवर्ड कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड? यस, विच इज योर आउटवर्ड नॉर्मल? फर्स्ट। ओके, सेकंड जो है ना वो सरफेस को कट कर रही है ना, सरफेस के अंदर जा रही है, सो इट इज नॉट आउटवर्ड नॉर्मल। तो सेकंड, फर्स्ट आपके आउटवर्ड नॉर्मल है, फर्स्ट मतलब ये, अब ये क्या है, जेड का निगेटिव पार्ट है, जेड का निगेटिव पार्ट है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस के बार। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ये जेड का निगेटिव पार्ट है तो माइनस के बार, सो लेट मी कम अगेन, सो यर एन कैप इज माइनस के बार। ठीक है, यानी कि आप हो गया, डीएस तो आपको पता ही है, एक्स वाई प्लेन ही है, सो डीएस क्या बन जाएगा, डी एक्स डी वाई। ओके, अभी आपको करना क्या है, डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है सर्कल के ऊपर, तो आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू, डबल है तो दो वेरिएबल आएंगे, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर वैरी फ्रॉम जीरो टू टू, थीटा वैरी फ्रॉम जीरो टू टू पाई, नाउ राइट डाउन दिस आर एच एस, सो इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में क्या है, ये आई थिंक माइनस था ना शायद, मैंने नहीं नहीं वो कोई, ये कैलकुलेट ही कर रहे हैं, एस वन का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सो ओवर एस वन एफ बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ एक लिमिट आएगा थीटा का, थीटा वेरी फ्रॉम जीरो टू टू पाई, एक लिमिट आएगा आर वेरी फ्रॉम जीरो टू टू, एफ बार क्या है, एफ बार यहाँ पे कहीं पे था, फिर से कॉपी करना होगा मुझे, दिखाई देना चाहिए आपको क्या क्या कर रहा हूँ, सो दिस इज योर एफ बार और ये एन कैप, ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, हाँ आप अभी अच्छे से फोकस करो और मुझे बोलो, सो दिस इज माय एन कैप एंड दिस इज माय एफ बार, आपको इन दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट है ना, एफ बार डॉट विथ दिस, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का, एफ बार डॉट एन कैप क्या आएगा, हाँ यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे है ही नहीं तो जीरो है ना, जे का कोएफिशिएंट, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे है ही नहीं जीरो, के का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस वन है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, सो आई विल राइट इट हियर नाउ, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट ठीक है, बट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, अभी मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ, बट एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, सो इट बिकम माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर आता है बट एक्स को भी आपको रिप्लेस करना है, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, सो इट बिकम माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके डी एक्स, बेटर में पहले लिख लेता हूँ, मैंने डायरेक्टली लिमिट पुट किया तो इसके लिए गड़बड़ हो रही है, बेटर में पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके जाता हूँ, सो डबल इंटीग्रल पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एफ बार, हाँ एफ बार डॉट एन कैप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एक्स स्क्वायर, डी एस की वैल्यू क्या आ रही है, डी एक्स डी वाई, नाउ पुट ऑल दिस लिमिट्स है ना, सो थीटा वैरी फ्रॉम जीरो टू टू पाई, आर वैरी फ्रॉम जीरो टू टू, एक्स की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, डी एक्स डी वाई रिप्लेस किससे होता है इसमें, डबल इंटीग्रल में डी एक्स डी वाई रिप्लेस बाय आर इन टू डी आर डी थीटा, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, सो आर इन टू डी आर डी थीटा, तो अब ये सेपरेबल फॉर्म में, क्योंकि आर का टर्म अलग है और थीटा का टर्म अलग है, सो दिस आई कैन राइट इट एज, थीटा का पहले लिखो जीरो टू टू पाई, थीटा का कौन सा टर्म है, एक ही है कॉस स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई बाय आर के लिमिट जीरो टू टू माइनस या आर इंटू आर बिकम आर क्यूब डी आर, सॉल्व करो, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, और ये जो भी फाइनल आंसर आएगा ये आंसर यहाँ पे पुट करो माइनस टाइम दिस, ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई विल क्विकली शो यू, सारा वही है, ठीक है, ये जीरो आ गया तो ये माइनस एस वन हो गया, यस इज द सर्कल पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर एन कैप इज माइनस के वाई, डी एक्स इज डी एक्स डी वाई, तो इसमें पुट करो एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज दिस, सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है, आर वैल्यू फ्रॉम दिस थीटा वैल्यू फ्रॉम दिस, ये कैलकुलेट करो जो आप मैंने आपको बोला था दो लिमिट्स अलग अलग करके, तो ये वैल्यू आई थिंक माइनस फोर पाई आ रही है, ठीक है, बट आपका जो फाइनल आंसर है उसमें ये माइनस टाइम्स था तो ये प्लस फोर पाई बनेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है।